Right, sir. Yes, we can start. Right. So, afternoon students, once again back to the mathematics classes. So, as you know, humne last class mein matrices kiya tha ji, and we were doing the elementary operations on matrices. Elementary operations right on matrices right. So last class mein maine aapko bataya tha ki elementary operation kya hoti hai. So total of there are six matrix this elementary operation. Three row operation hote hain and three column operation right. Row operation I have told you first class you can interchange two rows ya fir two columns. Is this clear students? Pehla elementary operation kya tha? Interchanging of rows or column right. Second elementary operation kya tha? Isi bhi row ko kisi non zero constant se multiply karna right. Similarly here किसी भी रो या कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना. थर्ड वाज इन एनी ऑफ द रो एनी रोज किसी भी रो के एलिमेंट्स में आपको किसी दूसरे रो के एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सबट्रैक्ट करना राइट. सिमिलरली हियर राइट स्टूडेंट्स. सो दीज वर द टोटल ऑफ सिक्स ऑपरेशन विच वी हैव डन यस्टरडे. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए. इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बैक मी नो. यस स्टूडेंट यस या नो कोई रिस्पांस नहीं है जी. नो सर. नो सर. डाउट है तो टेक्स्ट कर सकते हैं. नो सर राइट. नो ओके. नाउ अब हम इसका यूज करते हैं कैसे करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन को कैसे यूज करते हैं. कल मैंने आपको इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स बताया था जी. लास्ट क्लास में हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड आई हैव टोल्ड यू कि एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है. अगर इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर एक मैट्रिक्स ये कंडीशन पास कर रही है then B is an inverse of A or we can say A is an inverse of B right. तो या तो B A का inverse है या A B का inverse है. one and the same thing ठीक है जी. product of two matrices A B equal to B A equal to identity matrix right. then the matrix is invertible. ab ye inverse hum find kaise karte hain right. dekhiye ji hamare paas do matrices hain a b equal to i राइट. ए बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू आई है. इफ आई मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बोथ साइड बाय ए इनवर्स. अगर आप किसी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट इट बिकम्स ए इनवर्स इनटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स आई राइट. आप किसी भी मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है आई. तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो दिस कम्स आई. सो हियर बी विल बी इक्वल टू ए इनवर्स राइट.
इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? आपने बी को ए इनवर्स के इक्वल प्रूव कर दिया, तो अब फाइंड कैसे करना है? नाउ वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू आई. प्लीज रिपीट सर. ओके नाउ सी यू हैव ए बी इक्वल टू आई. हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को. अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. ए इनवर्स और ए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आई. तो बी किसके इक्वल आ गए जी? व्हाट इज बी हियर? ए इनवर्स. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Is this visible? Yes, sir. Yes. Right. ठीक है. अब find कैसे करना है inverse की matrix का inverse कैसे find out करना है? हमारे पास condition क्या आ गई? A inverse into A equal to I. Right? Is this clear? अगर हम ये find out कर लेते हैं तो we can find out the inverse of a matrix. कैसे करते हैं जी? हमने यहाँ पे matrix ली A. Then any matrix will be written as A equal to I into A. किसी भी matrix को अगर identity matrix से multiply करते हैं तो answer same रहेगा. Is it clear, students? Is this clear, student, or not? Yes, आप किसी matrix को identity matrix से multiply करते हो तो result matrix ही रहता है जी. तो we will write the matrix as A equal to I into A. इन दोनों के equal लिख लिया. राइट. सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्वेश्चन को जी. सपोज इन दिस केस ए वी हैव इज 1, 2 and 2 -1. एक मैट्रिक्स गिवन है ए. राइट. सो वी विल राइट दिस एज ए इज 1, 2, 2 -1 = I. I is, let's say 2x2 matrix. यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए. Anything not clear till now? इसको हमने A लिखा, यहाँ पे matrix से रिप्लेस नहीं किया है. Is this clear, students? Now you will find out the inverse of this matrix A. A का इनवर्स कैसे निकालना है? अब हमने क्या करके जाना है? इस मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं इन सच ए वे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम आई बना दें और सेम ऑपरेशन इधर लगाना है. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ध्यान से समझना. इस मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन जब लगा रहे हैं इधर भी लगाना है, सेम ऑपरेशन इधर लगाना है. जब इधर इस तरह से लगाने हैं कि ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ये जब मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगी और इसमें भी हम सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो दिस मैट्रिक्स विल बिकम ए इनवर्स. राइट स्टूडेंट्स? देखिए जरा कैसे करना है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपरली. राइट. अब एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरह से लगाते हैं? As I told you, इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें ये दोनों एलिमेंट जीरो करने होंगे. Is this clear, student? Please respond. Yes or no? Yes, sir. Yes. एलिमेंट सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये दोनों एलिमेंट जीरो करने हैं. इन दोनों एलिमेंट को जीरो कैसे करें? इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे सर. ऑपरेशन लगाने हैं सर. या तो आप रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम लगाओगे, दोनों का कॉम्बिनेशन भी लगाते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बाय रो ऑपरेशन एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन. पहले मैं आपको रो ऑपरेशन को बताता हूँ कैसे सर. हाँ जी सर. -1, 1 नहीं करेंगे?
करेंगे करेंगे बेटा, मैंने कहा अभी मैंने ये नहीं कहा कि क्या करना है, जो पहला स्टेप क्या है, जिन जिन एलिमेंट को जीरो बनाना है उनको जीरो बनाएंगे, इसको माइनस वन को बनाना है, ठीक है, पहले इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो पहले मैं लगा रहा हूँ रो ऑपरेशन इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए, ये एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ये कौन सी रो है बेटा, ये आर टू, ये आर वन है, दिस इज सी वन, दिस इज सी टू, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इज दिस क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, यस सर, यस सर। अब जब इन दोनों को, इस वाले एलिमेंट को मेरे को जीरो करना है, ये कौन सी पोजीशन पे, आर टू, मीन्स आर टू को जीरो करना है जी, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, आर टू माइनस, इसको मैं अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू बन जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आर टू माइनस, ये ऑपरेशन समझ आया नहीं आया जी आपके ऊपर, टू में से मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, what will be the answer, zero, zero आ गया, ये समझ आ रहा है किस तरह से लेना ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप माइनस लेना क्या लेना है वो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, देखिए आप इस एलिमेंट को जीरो बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है, अब मुझे इसको जीरो करना है तो आई विल राइट जीरो इक्वल टू, दिस इज आर टू, आर टू प्लस दिस इज आर वन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं के आर वन, इज दिस क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, राइट तो जीरो इक्वल टू आर टू, इसके अंदर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, आर टू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या है आर टू की वैल्यू, टू प्लस के इंटू वन, ये स्टेप समझ आया स्टूडेंट या नहीं आया, प्लीज अंडरस्टूड दिस स्टेप और नॉट, रिपीट सर, यस आई विल, देखिए आपको सेकंड रो को, सेकंड रो के एलिमेंट को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, इज दिस क्लियर, तो हमें क्या करना है, जीरो बनाना है इसको, R2 को R2 plus KR1, is it clear? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा ऑपरेशन क्या था, RI goes to RI plus KR1, ये चीज समझ आई बेटा, ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है ना, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. अब यहाँ पे मुझे इस रो में ऑपरेशन लगाना है, सेकंड रो में, तो इसको मैं R2 लिख देता हूँ, इसको भी R2 लिखूंगा, अब किसकी हेल्प से लगाना है, फर्स्ट रो की, ये क्या हो जाएगा, ये R1, ये R1, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स, यस और नो, देखिए बेटा हमारे पास ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, I और J को मैंने रिप्लेस कर लिया, किस रो में लगा रहा हूँ ऑपरेशन और किसकी हेल्प से लगा रहा हूँ, I और J को रिप्लेस कर दिया टू और वन से, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, इज दिस क्लियर और नॉट, बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, यस नो डाउट, नो डाउट, यस सर, यस सर, अब इस एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है, तो ये जो इक्वल, इसको इक्वल ट्रीट करेंगे, अब हम इक्वल साइन है, इसको जीरो लिख दिया, यहाँ पे आर टू क्या है टू प्लस के, और आर वन क्या है वन, यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गई थी, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स और नॉट, यस सर, कोई डाउट, तो अब ये क्या है ऑपरेशन क्या था, आर टू गोज टू आर टू प्लस के आर वन, ए की प्लेस पे मैंने माइनस टू लगा दिया, यहाँ पे ये चीज समझ आई है नहीं आई स्टूडेंट्स,
Yes, sir. Anji. ये वाला ऑपरेशन लगा दिया तो ये एलिमेंट जीरो बन जाएगा फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज दिस एलिमेंट इज जीरो व्हाट विल बी दिस एलिमेंट ये क्या है माइनस वन माइनस टू इंटू टू सो दैट विल बिकम माइनस वन इंटू फोर ये चीज समझ आई या नहीं आई स्टूडेंट इज दिस क्लियर और नॉट बेटा कोई आवाज नहीं आ रही है Please. Sir, please repeat. Yes, I will. आपको देखिए first row, second row में operation लगाना है with the help of first row. ऐसा नहीं है कि सिर्फ operation एक element में लगाना है. Same operation आपको पूरी row में लगाना है. Right? और same corresponding elements की help से लगाना है. ठीक है? यहाँ पे जब हमने same operation लगाया, R2 that is 2 minus 2 into 1, तो ये element zero बन गया. यहाँ पे एलिमेंट है माइनस वन माइनस वन वॉइस एंड वीडियो नॉट क्लियर थी बेटा कितने लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर वीडियो इज नॉट क्लियर वीडियो नहीं क्लियर है यस सर नो सर अब देखिए अभी कुछ बेटर हुआ बेटा यस सर यस सर बेटर Yes, students, better or not? Yes, sir. आगे continue करो. Yes, sir. ठीक है, अब इस element में देखो same operation लगाना है. तो ये element क्या है? Minus one. R two मतलब second row का element क्या है? Minus one. Minus two. R one का element क्या है? Two. इस element के corresponding element is two here. So I have put two here. So this become minus one, minus four, minus five. Is this clear? Is yes, it clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Same operation जो है आपको इधर वाली matrix में लगाना है, right? ये वाली matrix में लगाना है. ऐसे लगाएंगे. The first row will as it is, right? Text. Second row में operation लगाना है. This is zero. R two is zero minus two into one. तो ये क्या बन जाएगा माइनस टू मीन्स दिस विल बी माइनस टू इज दिस क्लियर तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा माइनस टू एंड व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट वन माइनस टू इनटू जीरो दैट विल बी वन इटसेल्फ ये समझ आया स्टूडेंट या नहीं आया जी नो सर नो ओके आई विल वंस अगेन रिपीट इट देखिए इधर भी आपको सेकंड रो में सेम ऑपरेशन लगाना है ऑपरेशन क्या है आर टू गोज टू आर टू इज दिस जीरो माइनस टू इंटू वन जीरो माइनस टू इंटू वन क्या आंसर आ जाएगा जी माइनस टू इस एलिमेंट की जगह पे क्या आ गया माइनस टू वेयर डिड ए गो ए बेटा यहीं पे है चिंता ना करो अभी लिख रहा हूँ ए लिख दीजिए जो पहले मैं ए लिख देता हूँ ए कहीं नहीं गया ए यहीं पे है बेटा ठीक है सेकंड इज अब इस एलिमेंट में हमने ऑपरेशन लगाना है दिस इज आर टू वन माइनस टू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर टू आर वन का एलिमेंट कौन सा है जीरो सो आई पुट जीरो है सो दिस इज वन अभी कुछ बच्चों को डाउट है तो प्लीज बताइए स्टिल डाउट प्लीज टेल मी टेक्स्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं अनम्यूट करके जी No doubt, sir. No doubt. Clear है ना? बस. Very good. Please repeat. Repeat कर देते हैं जी. देखिए. अब हमने इस रो के अंदर ऑपरेशन लगाना है सेम क्योंकि ये R2 में लग रहा है ऑपरेशन R2 में जब ये ऑपरेशन लगाया तो R2 का एलिमेंट क्या है जीरो माइनस टू R1 का एलिमेंट क्या है वन जीरो माइनस टू इज माइनस टू इस वाले एलिमेंट के लिए जो ऑपरेशन लगाया R2 का एलिमेंट वन माइनस टू इंटू जीरो टू इंटू जीरो विल बी जीरो सो वन माइनस जीरो इज वन इज इट क्लियर नाउ यस सर राइट अब हमने क्या करना है इस एलिमेंट को जीरो बनाना है जी तो इसको जीरो कैसे बनाना है देखिए अब ऑपरेशन क्या लगेगा हमारे पास
R1 goes to R1 plus KR2 means इस एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें मैं अगर ऐड कर रहा हूं तो तब जीरो बन जाएगा ये. अब वो के क्या होगा कि हम निकाल लेते हैं, के निकाल के बताओ जरा क्या आएगा बेटा, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट के. बाकी तो एक स्टूडेंट का आंसर आया रेडमी के नाम से है जी, ये 2/5 ये की वैल्यू 2/5 आ रही है सबकी जी. एक कैसे आएगी, आर वन को मुझे जीरो करना है, इक्वल टू आर वन कितना है, व्हाट इज आर वन, 2/5 प्लस ए इनटू -5. इसको सॉल्व किया तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/5 आ रही है. सो व्हाट विल बी आवर ऑपरेशन हियर, व्हाट विल बी द ऑपरेशन, आर वन गोज टू आर वन प्लस 2/5 आर टू जी. इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. राइट, तो हम इधर लगा लेते हैं ऑपरेशन. दिस वन विल बी आर वन इज 1 प्लस 2/5 इनटू 0, क्या आंसर आ जाएगा जी, 1. तो ये एलिमेंट सेम रहा और ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0, दैट इज 2 प्लस 2/5 इनटू -5, ये 5 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 इज 0, तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा. दिस विल रिमेन एज इट इज, सेम ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे. इधर कैसे लगाएंगे जी, यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है फर्स्ट रो के अंदर. फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है जी, 1 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -2, सो व्हाट इट बिकम्स, बाय -4, दैट इज 1/5. सो दिस एलिमेंट विल बी 1/5. यहाँ पे क्या आएगा, आर वन, आर वन कितना है यहाँ पे, 0 प्लस 2/5 इनटू 1, तो ये कितना आ जाएगा. यहाँ तो कोई डाउट स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया, सो प्लीज एक्सप्लेन अगेन. राइट, दिस स्टेप ये दोनों एलिमेंट्स का या सिर्फ वाले का बेटा, मैं दोनों एलिमेंट्स एक्सप्लेन, सो दोनों का. देखिए अब हमने ऑपरेशन लगाना है फर्स्ट रो में, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, इधर ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में जब लगा रहे हैं ऑपरेशन, 1 प्लस 2/5 एज इट इज, और r2 कितना है, -2, तो ये बन गया 1 माइनस 4/5, उसको सॉल्व किया तो 1/5 आ गया. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? यस सर. राइट, इस वाले एलिमेंट में जब ऑपरेशन लगा रहे हैं, r1, r1 कितना है, 0 प्लस 2/5 इनटू आर टू कितना है, 1, तो कितना आ गया सॉल्व करके, 2/5, तो ये सेकंड एलिमेंट कितना बन गया, 2/5. ये दोनों एलिमेंट एज इट इज रहेंगे. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. एनी स्टूडेंट नॉट क्लियर अबाउट एनी क्वेश्चन प्लीज टेल मी. कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, यहां तक क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. सर लास्ट है, लास्ट टाइम में क्या है बेटा, ये भी मैं फिर बता के आता हूँ कि हमने आर वन में ऑपरेशन लगाना है जी,
सेम ऑपरेशन, ऐसा नहीं कोई डिफरेंट ऑपरेशन लगाना है, जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड लगाया सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड लगाना है. जब राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन लगाया, दिस एलिमेंट इज वन हियर, वन आर वन इज वन प्लस टू बाई फाइव, आर टू कितना है माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू डाल दिया, तो वन. इसको थोड़ा और एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ कि आपको बेटर समझ आए. तो दिस बिकम्स वन माइनस फोर बाई फाइव, इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट वन बाय फाइव, राइट. तो ये कितना आ गया यहाँ पे वन बाय फाइव. इस एलिमेंट में सेम ऑपरेशन लगाया, जीरो जीरो आर वन इज जीरो प्लस टू बाई फाइव, टू बाई फाइव इंटू वन, तो टू बाई फाइव इंटू वन इज टू बाई फाइव. दिस इज क्लियर नाउ. अब ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप बेटा. अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमें सर वाई वी आर अप्लाई ऑपरेशन ओनली ऑन वन. हाँ, एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि हमें इस पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे. बेटा देखिए, हम इस पे इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, राइट. तो आई कम बैक टू द प्रीवियस पॉइंट. अभी हमने इस मैट्रिक्स को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वन जीरो जीरो वन, तो ये एलिमेंट हमारे पास वन होना चाहिए. अब इसको वन बनाना है, इसको वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन लगाते हैं जी आर आई गोज टू के आर जी. मीन्स अगर इस पूरी रो को मैं माइनस फाइव वन बाय फाइव से डिवाइड कर दू, माइनस फाइव से डिवाइड कर दू, तो आंसर वन आ जाएगा. सो नाउ आई विल अप्लाई द सेम ऑपरेशन. क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप, नाउ वी विल अप्लाई द ऑपरेशन आर टू गोज टू माइनस वन बाय फाइव आर टू, राइट. इसको माइनस वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट वी गॉट, वन जीरो जीरो वन. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स. टू बाय फाइव बेटा माइनस वन बाय फाइव नहीं आएगा, माइनस फाइव को माइनस वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई किया, फाइव फाइव कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी वन. सेम ऑपरेशन आपने इधर लगाया, तो दिस विल रिमेन एज वन बाय फाइव, टू बाय फाइव, और ये क्या बन जाएगा, टू बाय फाइव एंड माइनस वन बाय फाइव, राइट. हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट है बेटा, वन बाय फाइव टू बाय फाइव, टू बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव, एनीथिंग नॉट क्लियर स्टूडेंट्स टिल नाउ. बेटा यहाँ तो कोई स्टेप नहीं क्लियर आया, देखिए आपने क्या करना है, जिन एलिमेंट्स को जीरो बनाना है सबसे पहले उनको जीरो बनाना है, बाद में आपके पास जो भी चीज बच जाती है उस रो या कॉलम को आपने उसी नंबर से डिवाइड कर देना है, तो यू विल गेट द वन वन पार्ट. तो वन वन लेके आना मुश्किल नहीं है, पहले जीरो बनाना है. ओके, देखिए हमारे पास माइनस फाइव बचा था, हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे वन चाहिए था. अगर मैं इस एलिमेंट को माइनस फाइव से डिवाइड कर दू सो आई विल गेट वन. तो मैंने जब डिवाइड करना है तो पूरी रो को करना है, इस पूरी रो को मैंने माइनस फाइव से डिवाइड कर दिया, ऑपरेशन लगाया आर टू गोज टू माइनस वन बाय फाइव आर टू. जब ये वाला ऑपरेशन लगाया तो दिस बिकम वन जीरो जीरो वन. सेम ऑपरेशन मैंने राइट हैंड साइड पे लगाया, माइनस टू को जब मैंने माइनस वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम टू बाय फाइव, वन को जब मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम माइनस वन बाय, ए को मैंने एज इट इज रखा, राइट. तो ये हमारे पास लास्ट आंसर आ गए, ठीक है. नाउ अब ये मेरे पास क्या आ गया, आई, दिस इज आई किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इनटू ए क्यूब. सो ये जो मैट्रिक्स आई है मेरे पास, दिस मैट्रिक्स इज आवर ए इनवर्स. ये क्या है, ए इनवर्स है जी. अगर आप इस वाली, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ए को हम चेंज क्यों नहीं करते, देखिए बेटा ए को अगर हम चेंज करेंगे तो अगेन इट विल कम आउट टू बी आई ओनली, क्योंकि ये भी ए है, और अगर इस वाले ए में भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आई बन जाएगा जी. इज दिस क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स. तो सेम जगह सेम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे,
right students? So जो ये matrix of pain हुई, this matrix is known as A inverse. अब अगर आपको कभी चेक करना पड़ेगी A inverse है या नहीं, तो आप क्या कीजिए, ये दोनों matrix लीजिए A और A inverse, इन दोनों का जो product है वो identity के equal आना चाहिए. अगर हम चेक करते हैं, this is 1, 2, 2, -1, और ये matrix क्या आई है A inverse, 1/5, 2/5, 2/5 and -1/5. Student, इन दोनों का product निकालिए matrix का. Please find out the product of these two matrix. देखिए क्या आता है जी. वन आ रहा है या आई आ रहा है? आई, यस, इट विल बी आई ओनली. देखिए कैसे, 1 × 1/5 + 4/5, तो ये 1 बन जाएगा जी. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 - 2/5, ये 0 बन गया. सिमिलरली 2 × 1/5 = 2/5 - 2/5, अगेन ये विल बी 0. 2 × 2 = 4/5 + 1/5, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी जी, दिस विल बी योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड योर ए इनवर्स. स्टूडेंट यहां तक किसी को कोई डाउट है? ब्लैक बोर्ड व्यू इज ब्लर. बेटा ये कहीं ना कहीं कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी अगर ब्लैक बोर्ड तक नहीं आ रहा है. So, I have placed the blackboard in the best position available. इससे अच्छी पोजीशन पे कैमरा और ब्लैकबोर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है व्यू. इन केस समथिंग इज रॉन्ग, देयर मस्ट बी कनेक्शन प्रॉब्लम. बैंडविड्थ नहीं आ रही होगी प्रॉपर. हाँ जी, किसी स्टूडेंट ने बोला कि लास्ट टाइम ने क्लिक कर लेंगे. लास्ट टाइम देखिए क्या बेटा, लास्ट स्टेप में हमने चेक किया है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं, हमने दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है जो गिवन मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स मैंने फाइंड आउट की ए इनवर्स. इन दोनों को मैं अगर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो प्रोडक्ट लेने से मेरे पास 1/1 आता है नहीं है, तो ये कितना आ रहा है, 1/5 + 4/5, दूसरा आ रहा है 2/5 - 2/5, ठीक है जी. Here it is 2/5 - 2/5 and again it is 4/5 + 1/5. ये मैट्रिक्स आ रही है जी. इन दोनों को सॉल्व किया आपने, 1 आ रहा है, 4 + 1 = 5/5 = 1, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है जी. This is also cancelling out, this is 0. And this is 4/5 + 1/5 = 1. So ये मेरे matrix जो आई है मेरे पास, this is called identity matrix. This is called identity matrix. अगर ये inverse है, तो दोनों का product i के equal आएगा. अगर इसमें कोई element wrong है, तो it will not come equal to i. This is the main thing. Is this clear, students? अब हमने सीखा row operation के साथ करना. Now we'll understand this by column operation. Now same we'll do by column operation, right students? Column से कैसे करते हैं? Same thing है जी. अब row की जगह हमने column लगाना है. देखिए कैसे करना है. जब हमने column operation लगाना है, अगेन इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो करना है. प्रोसेस सेम है. अब जब सपोज मुझे सबसे पहले इस एलिमेंट को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया. नाउ हम कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं. सेम ऑपरेशन लगेगा जी. क्या था, ci goes to ci + k × cj, राइट? अब ci कौन सा है, लेट दिस कॉलम इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. फर्स्ट कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो दिस विल बी बिकम ci
that is C1 goes to C1 kitna ho gaya 2 plus K into 1. Yahan to koi doubt students? C1 0 hona chahiye, this element should be 0. Just a moment. I have done a bit wrong. Wrong kya kiya isme? Ye CJ jo hai hamare paas, ye second column hai, row nahi hai beta. Is element se isko 0 karna hai. So yahan pe k into minus 1. K into minus 1. Right? Isko humne 0 karna hai. So this will become 0 equal to 2 minus k. So yahan se k ki value kya aa gayi? 2. So hamara operation kya banega yahan se? C1 goes to C1 plus 2C2. Right students, C1 goes to C1 plus 2C2. This is student ko step nahi clear hoga, please ask the question. You can please ask C1 goes to C1 plus 2 into C2. So operation lagate hain ji. ये एलिमेंट क्या बन जाएगा? Here C1 is 1 plus 2 into 2. So this will be 5. तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आ जाएगा? 5. And this will be 2 plus 2 into minus 1. 0. Is this step clear, students? Student, is this step clear or not? Yes, sir. Yes. No response. Only 2-3 log respond karte hain, baki nahi karte kya baat? Baki logon ko samajh nahi aa raha to beta question aap nahi. Clear hai beta? Right. Yes. So second column will remain as it is. Right? Second column will remain as it is. Or same operation hum इस वाले मैट्रिक्स में लगा रहे हैं. इस मैट्रिक्स में जब ऑपरेशन लगा रही है तो सेकंड कॉलम तो सेम रहेगा, फर्स्ट कॉलम में लग रहा है 1 प्लस 2 इनटू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 हो गया, तो इट विल बी 1 ओनली, देयर इट विल बी 1. दिस विल बी 0 प्लस 2 इनटू 1, दैट विल बी. ये स्टेप सबको समझ आ गया है? आई होप जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो इजी हो रहा होगा. जो शुरू में डाउट्स थे वो डाउट्स अब नहीं आने चाहिए. सेम चीज है, पहले रो टू रो ऑपरेशन लगा रहे थे, अब कॉलम टू कॉलम. ठीक है, तो दिस इज क्लियर. नाउ वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट 0. ठीक है जी स्टूडेंट, इस एलिमेंट को 0 करना है ये वाले सेकंड कॉलम के, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से. अब मुझे बताइए ऑपरेशन क्या होगा, प्लीज फाइंड आउट द ऑपरेशन एंड टेल मी what will be the operation in this two? Sir, what is a here? What is a here? मतलब बेटा A ये matrix है ना, matrix itself. हाँ जी, आप लोगों को मुझे second operation बताना है कि ये वाला operation क्या होगा when you have to make this 2 as 0. Minus 2 by 5. Minus 2 by 5 is standard form में बोलते हैं बेटा. C2 goes to C2 minus 2 by 5 C1. यही आएगा ही. कैसे आया? देखिए ये ऑपरेशन क्या है, CI goes to CI plus K CJ. I क्या है, कौन से कॉलम में लगाना है? सेकंड में, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम ये लगाना है नहीं. अब हमें क्या करना है, C2 को 0 करना है. C2 कितना है? 2 plus K into 5. तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई? Minus 2 by 5. Replace this value of K here. यहाँ पे लगा रहे तो क्या बन? C2 minus 2 by 5 C1. तो this will be your operation. आपने जब operation यहाँ पे लगाया है तो ये elements तो as it is रहेंगे नहीं, first column. सेकंड कॉलम में ये क्या बन जाएगा? 0. दिस विल बी माइनस 1 माइनस 2 बाय 5 इनटू 0. दिस विल रिमेन एज माइनस 1 ओनली. ये स्टेप समझ आया सबको जी?
Is this clear, student, yes, or not? Sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लगा के बताओ मुझे ये दोनों एलिमेंट्स क्या आएंगे. Tell me fast. What will be the element? This one, इसके प्लेस पे यहाँ और यहाँ क्या क्या है? Minus 2 by 5 and minus 4 by 5. Minus 2 by 5 and minus 4 by 5. Let me check. This first one check karte hain. C2 kitna hai yahan pe? C2 is 0 minus 2 by 5 into 1. Nahi to aa gaya minus 2 by 5. Minus 2 by 5 is correct. Second kya hai? 1 minus 2 by 5 into 2. Ye to ye 1 by 5 aa raha hai. 4 by 5 किसने बोला था wrong है बेटा. It will be 1 by 5. Right? Is this clear or not? 1 minus 2 by 5 into 2. This will be 1 by 5. यहाँ तो कोई doubt? Is this clear, students? Right? अब अच्छा मुझे बताइए इससे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट ऑपरेशन तो सी मुझे इस एलिमेंट को जीरो कर इसको वन करना है और इसको वन करना है तो हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन रख कर दिया है. ठीक है, इसको वन करने के लिए अगर इस कॉलम को मैं फाइव से डिवाइड कर दूं, इसको वन करने के लिए माइनस वन से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास अब दो ऑपरेशन हो जाएंगे. क्या होगा? सी वन गोज टू वन बाय फाइव सी वन एंड सी टू गोज टू माइनस सी टू. ये दो ऑपरेशन लगेंगे जी. अब ये सबको समझ आया नहीं आया जी? yes, तो अब हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन गई? वन जीरो जीरो वन. ये दोनों ऑपरेशन हम लगाएंगे, इसको फाइव से डिवाइड करेंगे. ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा. राइट एंड विल गेट द समझ आ रहा है? इसलिए यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए. इज दिस क्लियर? आपका तो नेम आ रहा है नहीं यहाँ पे भी इनवर्स. तो दिस इज योर ए इनवर्स. बेटा ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर. दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? नो रिस्पांस. प्लीज टेल मी वेदर इट इज क्लियर और नॉट. यस सर. यस सर. कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ तो बताइए. ओके, देयर इज सम मैसेज. यस सर. ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा? नो सर. थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना इसमें तो बहुत इजी बन गई. एक क्वेश्चन और करते हैं हम. Now this is the matrix given A. इसका inverse find out करना है. Will you people try? आप लोग करेंगे try जी? Student yes sir. Please try.
what is the message? Just can you repeat your question, beta? Okay, I'll explain few steps and you try yourself. हमें करना क्या बेटा सबसे पहले This will be equal to I into A. I is your 1 0 0 1 A. अब आप row चाहो तो row operation लगा लो, चाहो तो column operation लगा लो. देखिए आपको ये दोनों element zero करने हैं. Cell element और इन दोनों को zero करना है. अगर हम row operation से करते हैं, row operation इस element को हमें zero करना है पर. Second element है second row का element because this is R1 this is R2 R2 के अंदर operation लगाना है right तो क्या operation बनेगा R2 goes to R2 plus K R1 R1 की help से solve करना है इसको R2 को zero करना है जी R2 कितना है seven plus K into two तो K की value कितनी आ गई माइनस सेवन बाय टू तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारा आर टू गोज टू आर टू माइनस सेवन बाय टू आर वन लगाइए स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन अब ये सेकंड रो में लग रहा है फर्स्ट रो में दिस विल बिकम जीरो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा फोर माइनस सेवन बाय टू इनटू वन फोर माइनस 7 by 2 into 1, that is 4 minus 7 by 2. Solve किया तो ये 1 by 2 आ जाएगा. Sir, please repeat. Yes, I will. यहाँ ये operation समझ आ गया बेटा? Is this clear or not operation? नहीं sir, ओ row operation. ये समझ आया? K की value आई यहाँ तक है ये भी आया? यही समझना sir. अच्छा. देखिए मुझे इस element को zero करने हाँ जी ये एलिमेंट सेकंड रो में पढ़ रहा है बेटा इस एलिमेंट को जीरो करना मतलब आर टू को जीरो करना है इसकी हेल्प से आर वन की हेल्प से तो ऑपरेशन क्या हुआ आर टू गोज टू आर टू प्लस के आर वन आर टू को जीरो किया और आर टू कितना है सेवन प्लस के इंटू आर वन कितना था टू आर वन की वैल्यू टू रख दी तो के की वैल्यू सेवन बाय टू और माइनस सेवन बाय टू आ गई ओके सर ओके तो ऑपरेशन क्या बन गया बेटा आर टू गो टू आर टू माइनस सेवन बाय टू आर वन समझ आ रहा है यहाँ तक या नहीं राइट आर टू माइनस सेवन बाय टू आर वन इज इट क्लियर स्टूडेंट्स ये सर एलिमेंट में लगाया मैंने सेवन माइनस सेवन बाय टू इनटू टू जीरो आ गया इस एलिमेंट में लगाया 4 minus 7 by 2 into R1 कितना यहाँ पे 1 तो 4 minus 7 by 2 1 by 2 आ गए अभी clear हुआ है new friends yes sir अभी बेटा clear हुआ है new guys clear sir अरे बेटा yes no कुछ yes sir ठीक है जी अब same operation आपको यहाँ पे लगाना ये 1 0 रहेंगे R2 में सेम ऑपरेशन लगाया R2 यानी कि 0 माइनस 7 बाय 2 इनटू R1 कितना आ जाएगा दिस एलिमेंट विल बी माइनस 7 बाय 2 प्लीज रिपीट कर देता हूँ जी एक बार फिर देखिए इस एलिमेंट को हमें जीरो करना इसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि ऑपरेशन ये नहीं अब ये जब ऑपरेशन लगाना है R2 दैट इज 7 माइनस 7 बाय 2 इनटू R1 इज 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7 माइनस 7 विल बी 0 राइट यहां पे 4 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 बाय 2 इनटू 1 4 माइनस 7 बाय 2 विल बी 1 बाय 2 अब ये सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ पे R2 में लगाना है सेकंड रो में मतलब तीसरा सेकंड रो इसमें लगाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कैसे लगा रहे हैं जी दिस इज 0 R2 इज 0 0 माइनस 7 बाय 2 0 माइनस 7 बाय 2 इनटू 1
0 minus 7 by 2, this will be 7 by 2, this element will be minus 7 by 2. Now this element, R2 kitna hai? 1 minus 7 by 2 into 0. Ye to 1 hi rah gaya, so this will be 1. Is this clear, students? Is this clear or not? Yes, sir. Next step pe challenge. Ab hame kya karna hai? Is element ko zero karna hai with the help of this element. Is element ko jab zero karna hai, kya operation ho jayega? R1 goes to R1 plus K R2. R2 ki help se kar rahe hain. R2 kitna hai yahan pe? 1 by 2. R1 kitna hai? 1. Kya aa jayega? 0 equal to 1 plus K into 1 by 2. ये कितना आ गया, k will be equal to minus 1 into 2, minus 2, ये minus 2 आ गया ही, तो हमारा operation क्या हो जाएगा यहाँ पे, r1 goes to r1 minus 2, r2, is this clear? इसको मैं अगर 2 से multiply करके, इसमें से subtract कर दूँ तो 0 आ रहा है, तो this will be our operation, इस operation को apply करते हैं यहाँ पे, इस ऑपरेशन को जब अप्लाई किया R1 में अप्लाई करना है 2 माइनस 2 इनटू 0 ये तो 2 ही रहेगा जी और ये 0 बन जाएगा राइट ये दोनों एज इट इज रहेंगे सेम ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड पे लगा दिया राइट हैंड पे साइड पे लगा रहे हैं सर R1 1 माइनस टू क्या हो जाएगा वन माइनस टू इनटू माइनस सेवन बाय टू टू से टू कैंसिल वन प्लस सेवन इट विल बी एट राइट सो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलिमेंट एट यहाँ पे कितना आएगा आर वन कितना जीरो माइनस टू इनटू वन सो दिस विल बी माइनस टू सो हेयर इट विल बी माइनस टू राइट ये दोनों एलिमेंट एडिटिव रहेंगे सर हाँ जी पर वन वन दी जगह चे जीरो नहीं है कितने जी टू दे नीचे जड़ा वन लिखे है टू दे नीचे हाँ जी यस जीरो आ रहा ठीक है यहाँ तो कोई डाउट जी स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है ए ए स्टार अच्छा जी ठीक है मतलब अब इस एलिमेंट को वन बनाना है इसको भी वन बनाना है इसको वन बनाने के लिए पूरी रो को मैं टू से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा आर वन रोज टू वन बाय टू आर वन इसको टू बनाने के लिए पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दूं मैं टू से राइट इसको जब टू से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा वन जीरो जीरो वन ठीक है जी ये क्या बनेगा जी आर वन को मैंने टू से डिवाइड किया फोर माइनस वन यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया माइनस सेवन बाय फोर और इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए ये जो मैट्रिक्स आई मेरे पास दिस विल बी ए इनवर्स राइट Is it okay or not? Please repeat. So minus 7. Concept, it will be minus 7. Where? Pe beta sir, instead 7? Of, sir, instead of minus 7 by 4. This will be minus 7. Right. You say multiply. Karna. Multiply, so it will be minus 7, comma 2. राइट स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में अभी हमने ये रो ऑपरेशन से किया है आपकी मर्जी आप चाहो तो रो ऑपरेशन लगाओ कॉलम ऑपरेशन लगाओ प्लीज रिपीट आई वंस अगेन रिपीट द एंटायर क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स ए गिवन है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने रिटन ए इज इक्वल टू आई टू ए इक्वल टू आई इन टू ए आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो
आपने लिख दिया a equal to i into a, right? Now इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है विद एलिमेंट्री ऑपरेशन. सबसे पहला ऑपरेशन हमने लगाया r2 equals to r2 minus 7 by 2 r1. तो ये वाला ऑपरेशन लगाया सेकंड रो के अंदर, तो ये है 7 7 minus 7 by 2 into r1 is 2. इसको लगाने पे यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है. इस एलिमेंट में सेम ऑपरेशन लगाया 4 minus 7 by 2 into 1. 4 minus 7 by 2 will become 1 by 2. Right? सेम ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया आर टू कितना है यहाँ पे 0 माइनस 7 बाई 2 इंटू 1 0 माइनस 7 बाई 2 दिस विल बी माइनस 7 बाई 2 एंड हियर सेम ऑपरेशन लगाया है जी 1 माइनस 7 बाई 2 इंटू 0 तो इट विल बिकम 0 ओनली तो इट विल बी 1 ओनली राइट. सिमिलरली अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा है 2 बचा है और हाफ बचा है. इसको 1 बनाने के लिए हमने इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दिया. इसको 1 बनाने के लिए पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इस रो को मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 2 से इट बिकम 1 0. इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 0 1. सेम ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया इस रो को 2 से डिवाइड किया तो 4 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई किया माइनस 7 एंड 2 इंटू ए. द मैट्रिक्स ऑब्टेंड इज योर ए इनवर्स. राइट स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट्स? Any doubts in this question? How to find? Yes, beta, 3 into 3 का inverse. Same way से find out करना है. ठीक है? थोड़ा सा complicated हो जाता है. ये हो गया आप लोगों का? Shall I clean it? सर हो गया आपने? हाँ जी, अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि हाँ कर लो सर, बी बाय थ्री मैट्रिक्स का कैसे करनी है. सपोज एक ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ये थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है जी. वहां पे हमें क्या करना था, जब अगर टू बाय टू है तो दो एलिमेंट जीरो करने थे. यहाँ पे आपको बीस ये सारे एलिमेंट्स मतलब ये तो ऑलरेडी जीरो है ना, इन केस इट इज नॉट सॉरी नॉट दिस वन दिस वन, ये सारे एलिमेंट जो मैंने सर्कल किए इन सबको जीरो करना होता है सेम ऑपरेशन लगा के. ठीक है, वो कैसे करना है दैट विल लर्न इन द नेक्स्ट स्टेप. फॉर टुडे व्हाट यू विल डू, अभी जो हमने किया है इसकी प्रैक्टिस करोगे सो दैट आपको ऑपरेशन लगाने आए और जब हम 3 इनटू 3 मैट्रिक्स करें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. सो नाउ यू विल प्रैक्टिस द 2 इनटू 2 मैट्रिक्स का जो इनवर्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम योर एनसीईआरटी. Right students, any question, any doubt you can ask. Right students, is any question or is it everything is clear what we have done today? Yes. It is only possible in square matrix. Yes, it is only possible in square matrix. You cannot find the inverse of a matrix which is not a square matrix. Right students, now question comes why it is only possible in square matrix. किसी ने question नहीं पूछा है कि square matrix में ही क्यों? Can anybody tell me why only in square matrix? Sir, then both because AB identity matrix is a square matrix. Yes, identity matrix. Identity matrix is a square matrix. That is the only reason the inverse of a matrix. It is possible only for square matrices, right? Is this clear, students? Yes, sir. Okay, so thank you very much for today's class. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.